हेलो एवरीवन, अब हम लोग चलते हैं अपने बैंकिंग के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग यहाँ पे जानेंगे। तो दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि काम के अकॉर्डिंग कितने चीजों को डिवाइड किया गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में हमारी तीन चीजें आती हैं। पहला आता है हमारा RBI, दूसरा आता है हमारा शेड्यूल्ड और तीसरा आता है नॉन शेड्यूल्ड, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन में हमारी बहुत तीन चार चीजें आज सेंट्रल बैंक आता है, कमर्शियल बैंक आता है, कोऑपरेटिव बैंक आता है, स्पेशलाइज्ड बैंक आता है और भी बहुत सारे बैंक आते हैं। तो आज हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में RBI पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग इस पूरे वीडियो लेक्चर में RBI के बारे में जानने वाले हैं कि RBI क्या होती है, RBI के फंक्शन क्या होते हैं, RBI कैसे जो होती है मनी सप्लाई को रेगुलेट करती है, हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप लोग RBI का तो फुल फॉर्म जानते ही होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हम सबको मालूम होगा ये कि RBI को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, और ये हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक होती है। अब सेंट्रल बैंक क्यों कहा जाता है, सेंट्रल बैंक हर एक देश में प्रेजेंट होता है, यानी कि वो एक ऐसा मेन बैंक होता है जो पूरे कंट्री के मनी सप्लाई को, मनी क्रेडिट को, करेंसीज को और इन्फ्लेशन को, इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता है, तो उसे हम सेंट्रल बैंक बोलते हैं। तो हर एक कंट्री के पास अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, तो हमारे कंट्री के पास भी हमारा सेंट्रल बैंक है जिसको हम लोग बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद देखते हैं कि आखिर ये सेंट्रल बैंक जो था वो कहाँ से आया, कैसे आया, हम लोग उसको जानते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन, इस कमीशन को ज़रूर याद रखिएगा, इसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। तो हिल्टन यंग कमीशन जो 1920 में जिसको इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन को 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था और इसी कमीशन ने रिकमेंड किया था कि आपको एक सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश करना चाहिए, आपको अपने देश में एक सेंट्रल बैंक इस्टेब्लिश करना चाहिए जो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, पूरे देश की करेंसीज को, पूरे देश के मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सके। तो उसने कब रिकमेंड किया था, 1926 में रिकमेंड किया था कि आपके देश में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो वहां पे इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, मतलब हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन को मद्देनजर रखते हुए, 1934 में जाके एक RBI एक्ट पास हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ 1934 में, और इसी एक्ट के बेसिस पे RBI को एस्टैब्लिश किया गया था 1935 में। तो ध्यान दीजिएगा, RBI एक्ट जो था वो 1934 में पास हुआ था, लेकिन RBI को एस्टैब्लिश कब किया गया था, तो वो 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश किया गया था। RBI का यहाँ पे देखते हैं कि RBI का जो हेडक्वार्टर था, RBI का हेडक्वार्टर उस टाइम में जिस टाइम इसको एस्टैब्लिश किया गया था वो बना था कोलकाता में, लेकिन 2 साल बाद उसके हेडक्वार्टर को चेंज करके रख दिया गया था मुंबई, और आज तक इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो मुंबई में है। अब RBI को कब नेशनलाइज किया गया था, अब देखिए RBI जब बना था तो उस टाइम इसका टोटल खर्चा करीब 5 करोड़ आया था, ठीक है। RBI जब बना था तो उस समय इसका टोटल खर्चा करीब 5 करोड़ आया था। तो उस टाइम जो है गवर्नमेंट तो इतना इन्वॉल्व नहीं थी इन सब चीज़ों में, तो जो हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स थे इनका शेयर हमारे RBI में बहुत ज़्यादा था। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए कोई भी बैंक काम करेगी तो वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करेगी, सोशल वेलफेयर के लिए काम ना करेगी या फिर थोड़ा मोड़ा करेगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे देश को आज़ाद होने के बाद अब हमको अपनी चीज़ों पर फोकस करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, चाहे वो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, तो इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने RBI को 1949 में नेशनलाइज कर लिया। अब नेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ से निकाल के पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया। पहले हमारी गवर्नमेंट भी थी लेकिन गवर्नमेंट का शेयर कम था, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का ज़्यादा था, लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा का पूरा शेयर उठा के हमारे RBI ने, हमारे गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रख लिया, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन का मतलब समझ गए कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ से निकाल के जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो हमारा RBI कब नेशनलाइज हुआ था, तो वो हुआ था 1949 में। चलिए अब यहाँ पे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है आपके कि RBI हैज ऑल्सो वर्कड फॉर 2 अदर कंट्रीज। RBI जो है हमारी, हमारे देश के, लेकिन इसने 2 और देशों के लिए भी काम किया है। पहला है हमारा पाकिस्तान और दूसरा है हमारा बर्मा, यानी जिसको आज हम लोग म्यांमार भी बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है लोकल बोर्ड। अब RBI है तो उसने अपने लोकल बोर्ड बनाए होंगे, ठीक है, तीनों चारों ऑल ओवर द कंट्री अपने कुछ बोर्ड्स बनाए होंगे जो उन चीज़ों को रेगुलेट करते होंगे।
तो आरबीआई के चार लोकल बोर्ड हैं, पहला हमारा है दिल्ली में, दूसरा है हमारा मुंबई में, तीसरा है हमारा चेन्नई में और चौथा है हमारा कोलकाता में, ठीक है। और अभी इसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है, तो वो है शक्तिकांता दास। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट चीजों पे, तो सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, आरबीआई की कौन सी ऐसी सब्सिडरीज हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी सब्सिडरीज आरबीआई की है, तो ध्यान देते हैं कि आरबीआई की सब्सिडरीज क्या होती हैं। तो सब्सिडरीज का मतलब ये होता है बेटा, जब एक कंपनी, जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर लेता है, ठीक है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर, जैसे कि एबीसी कंपनी लिमिटेड है, वो एक्स वाई जेड को जब होल्ड कर लेती है, जब उसको जो है अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो एबीसी जो होती है वो होल्डर कंपनी कहलाती है और एक्स वाई जेड जो होती है वो उसकी सब्सिडरीज कंपनी कहलाती है, क्योंकि वो उसको होल्ड करती है, अब वो उसको मैनेज करने वाली होती है, महज ये सिर्फ उसका एक पार्ट होती है, वो उसके कंट्रोल में होती है। अब ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकता है, इसको कुछ भी करना पड़ेगा तो उसको अपनी होल्डिंग कंपनी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, आरबीआई की कितनी सब्सिडरीज हैं, तो पहला है हमारा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, DICGC। DICGC जो एक कॉरपोरेशन है जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो DICGC क्या होता है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि बैंक के पास हम लोग पैसा जमा करते हैं, तो बैंक जो होता है, चाहे आप 15 लाख जमा करो चाहे 20 लाख जमा करो, बैंक आपके टोटल रुपए का सिर्फ 1 लाख का इंश्योरेंस करता है, ठीक है, सिर्फ 1 लाख का इंश्योरेंस बैंक आपके पैसे का करता है। वो कौन करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, यही जो है बैंक के सारे डिपॉजिट का, हर एक लोगों का 1 लाख का इंश्योरेंस करता है, ठीक है। और इसको कब सेटअप किया गया था, तो वो 1978 में सेटअप किया गया था, ठीक। पहला समझ में आ गया कि पहला सब्सिडरी आरबीआई का कौन सा है, DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। दूसरा है हमारा नेशनल हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो हाउस लोन प्रोवाइड करता है, ये अभी हम लोगों ने भी देखा होगा बहुत जगह इसके एड्स आते हैं, तो ये क्या करता है, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है। और इसको कब सेटअप किया गया था, तो वो किया गया था 1988 में। उसके बाद आता है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, मतलब कि जितनी भी हमारी करेंसी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं, BRBNMPL, ठीक है। तो ये हमारी सब्सिडरीज हो गई आरबीआई की। इनके अलावा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडरीज बोलता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इनके अलावा अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को वो सब्सिडरीज कहता है तो वो नहीं होगा। सिर्फ 3 आरबीआई की सब्सिडरीज हैं, पहला है DICGC, दूसरा है NHB और तीसरा है BRBNMPL। सिर्फ ये 3 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो आरबीआई की सब्सिडरीज हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीजों की तरफ, तो नोट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। अब नोट कहाँ प्रिंट होते हैं, ठीक है, ये भी एक मेन मुद्दा आ जाता है कि नोट कहाँ प्रिंट होते हैं। तो नोट 4 जगहों पर प्रिंट होते हैं, पहला है हमारा मैसूर, दूसरा है हमारा सेल्बोनी, तीसरा है हमारा देवास और चौथा है हमारा नासिक। अब देखते हैं यहाँ पे मैसूर और सेल्बोनी जो है वो आरबीआई के कंट्रोल में है, ठीक है, मतलब आरबीआई का इन पे मेन है, आरबीआई इन चीजों यहाँ पे छापती है, और देवास और जो नासिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है ये चीजें। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या इशू करती है और क्या नहीं इशू करती है। पहले तो आरबीआई कंट्रोल करती है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिनांस मिनिस्ट्री के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंदर 1 रुपए के नोट और सारे सिक्कों को इशू किया जाता है। याद रखिएगा, आरबीआई ना तो 1 रुपए के नोट को इशू करती है, ना तो सारे सिक्कों को इशू करती है, 1 रुपए के नोट और सारे सिक्कों को हमारी कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो करती है। 1 रुपए पे नोट पे साइन किसका होता है, तो वो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। 1 रुपए पे नोट पे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है। अब चीजें यहाँ पे है कि आरबीआई कैन इशू नोट अप टू मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ ₹10,000। आरबीआई जो है वो नोट इशू कर सकती है, और कितना नोट इशू कर सकती है, ₹10,000 तक का जो है नोट इशू कर सकती है, उससे आगे वो नोट इशू नहीं कर सकती है। अब आते हैं हमारे मिंट हाउसेस। मिंट हाउसेस क्या होते हैं, तो मिंट हाउसेस ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे सिक्कों का प्रोडक्शन होता है। तो कहाँ पे मिंट हाउसेस हैं, सॉरी यहाँ पे एक चीज गड़बड़ हो गई है, मैंने यहाँ पे 2 बार कोलकाता लिख दिया, यहाँ पे होगा हमारा नोएडा। तो 4 जगहों पे हमारे मिंट हाउसेस हैं, पहला है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। 4 जगहों पे सिक्कों का प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिंट हाउसेस। 4 जगहों पे हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। और यहाँ पे एक और चीज,
यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011 मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन कैन बी अप टू रुपीज 1,000, मतलब कि 1,000 तक के हम लोग सिक्के इशू कर सकते हैं एज पर द कॉइनेज एक्ट 2011। हम लोग 1,000 तक, मतलब हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो 1,000 रुपए तक का सिक्का इशू कर सकती है। इसके बाद आता है हमारा सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल का मतलब ये है ना कि जो हमारे करेंसीज वगैरह पे जो भी सिक्योरिटीज वगैरह लगी होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी पेपर मिल। जहाँ पे वो लगती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी पेपर मिल। तो ये कहाँ पे है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में ये जगहें हैं जहाँ पे नोट्स की सिक्योरिटी वगैरह जो भी देखा होगा कि उसमें पतले पतले स्ट्रिप लगे होते हैं तो वो सिक्योरिटी के पर्पज से होता है। तो वो कहाँ पे है हमारा, होशंगाबाद में, वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक जो है जो आपका वो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अभी हम लोगों ने एक हैशटैग बहुत सुना होगा कि आरबीआई आखिर अपने मन का नोट क्यों नहीं छापती। अगर हमारे देश में गरीबी है तो आरबीआई अपने मन का नोट छापे, गरीबी हटा दे, आरबीआई ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। तो आरबीआई को एक सिस्टम फॉलो करना होता है जिसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में ये होता है कि आप ऐसे अपने मन से नोट नहीं छाप सकते हैं। आपको नोट जब छापना होगा तो आपको कुछ रुपए, कुछ चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, रिजर्व के फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड को या फिर फॉरेन एक्सचेंज को, अभी हम आपको बताने वाले हैं क्या चीजें रखी जाती हैं। तो समझ लीजिए बस कि कुछ चीजों को आपको रिजर्व के फॉर्म में रखना होगा, उसके बाद आप नोट छाप सकते हैं। तो वो क्या चीजें रखनी पड़ती हैं, हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो सिस्टम है ना कि आपको नोट छापने के बदले कुछ रिजर्व में रखना पड़ेगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। तो देखिए, इट इज अ करेंसी इशू सिस्टम फॉलोड बाय आरबीआई। ये करेंसी इशू सिस्टम है जो आरबीआई फॉलो करता है। और इसको एडॉप्ट कब किया गया था, तो 1956 में इसको एडॉप्ट किया गया था। तो इसमें क्या है, नोट छापने के लिए क्या है कि आरबीआई को जो है रिजर्व रखना पड़ेगा। रिजर्व कितना रखना पड़ेगा, 200 करोड़ का रिजर्व रखना पड़ेगा। अब 200 करोड़ किस चीज के फॉर्म में वो रिजर्व रख सकती है, तो आरबीआई जो है वो 200 करोड़ में से 115 करोड़ जो है वो गोल्ड के फॉर्म में रिजर्व रख सकती है और 85 करोड़ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में रिजर्व रख सकती है। तो आरबीआई को 200 करोड़ जो है नोट छापने के लिए रिजर्व रखना पड़ता है। 200 करोड़ में 115 करोड़ जो है वो गोल्ड के फॉर्म में रखेगी और 85 करोड़ जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में रखेगी। मिनिमम रिजर्व सिस्टम समझ में आया कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम वो होता है जिसमें हमारी आरबीआई जो होती है वो नोट को छापती है, लेकिन नोट को छापने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको कुछ पैसे रिजर्व रखने पड़ते हैं, यानी कि 200 करोड़ उसको रिजर्व रखना पड़ता है, जिसमें से 115 करोड़ जो होता है वो गोल्ड होता है और 85 करोड़ जो होता है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इसमें नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, एक कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि फर्स्ट गवर्नर हमारे आरबीआई के कौन थे, तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और हमारे फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीजी देशमुख। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट गवर्नर अगर आरबीआई का पूछे तो वो ऑसबॉर्न स्मिथ, लेकिन फर्स्ट इंडियन गवर्नर जब पूछे आपसे तो वो होगा सीजी देशमुख। अब ये रहा हमारा अभी बैंकिंग का कुछ पॉइंट। अभी हम लोग इसके बारे में इसके नेक्स्ट वीडियोस में शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बैंक पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।